अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो है ना फर्स्ट रोज़ा है, तो आज फर्स्ट रोज़ा है, तो फर्स्ट रोज़े की आप लोग मुबारकबाद। और अभी असर का मतलब मगरिब टाइम होने वाला है और हम लोग जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में, क्योंकि जो शहरीन की फ्रेंड है मुस्कान ना, उसने इफ्तारी रखी अपने यहाँ, पूरा मतलब दावत रखी हम सब की और हमारी फ्रेंड्स की है सब लोग। तो वही हम लोग आज हम लोग घर पर नहीं इफ्तारी करेंगे, सिर्फ अब्बू करेंगे, बाकी हम सब लोग जा रहे हैं अम्मी लोग। और गाइस ये है अब्बू की इफ्तारी, जो कि थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है। आज जो ना इल्मा जो भाभी नहीं रहती, आप भाभी उनकी छोटी लड़की रोज़ा रखी हुई थी फर्स्ट रोज़ा, इसलिए उन्होंने इफ्तारी भिजवाई है। तो ये अब्बू को हो गई, अब्बू बनाना नहीं पड़ा हम लोग के लिए, मतलब हम लोग ने बनाया नहीं, ये अब्बू करेंगे इफ्तारी, बाहर बैठे हुए हैं। और कैसे ये अब्बू बैठे हुए हैं, ये अब्बू रोज़ा खोलेंगे, तो हम लोग जाएंगे। अब्बू जो है ना दातुन कर रहे हैं, दातुन करना सुनत होती है। और मैं यहाँ पे हूँ, और ये देखिए पेंट अभी हम लोग पूरा नहीं हुआ है, आधे पेंट हुआ है, ये चूल्हा भी वाइट हो गया पूरा। गाइस अभी हम लोग की ना भाभी आ रही है, इन लोग साथ हम लोग जाएंगे, तो अभी वो आ गए, फिर चलते हैं। सही है, तो गाइस अभी लोग आ चुके हैं और सारी फ्रेंड्स आगे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से घूमते हैं। तो गाइस यहाँ से वालेकुम। और गाइज यहाँ पे सारे टेरिस पे सारे इंतज़ाम रखे हुए हैं इफ्तारी, क्योंकि नीचे जगह भी कम थी और लाइट भी नहीं है लग रहा, जिनके यहाँ लाइट भी गड़ गई, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया, तो लाइट भी नहीं थी, इसलिए ऊपर सारे इंतज़ाम रखा हुआ है। तो यहाँ बिरयानी है और खजूर है, यही सारे इंतज़ाम है खाने का। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अजान का। हाँ उसकी शादी हो गई है। तो गाइस अजान होने वाली है, दुआ मांग रहे थे, फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी हमने रोज़ा खोल लिया है और अभी हम लोग का खाना स्टार्ट हो गया है। तो शहरीन खाई, शहरीन जो है ना गोश्त उसको पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाती चिकन वगैरह कुछ भी, बता चुकी हूँ कई बार मैं। तो उसने मेरी प्लेट ले ली और अपनी प्लेट मुझे दे दी, उसके में ज़्यादा गोश्त था इसलिए। और अभी हम सब खा चुके, खा पी के अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। और गाइस पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे, अभी घर जाना है नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, नीचे चलते हैं। अभी सब लोग खा भी चुके हैं और आधे लोग अभी मतलब खा रहे हैं खाना, बिरयानी खा रहे हैं। बिरयानी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी बनी भी थी बिरयानी। और ये रही मेरे अब्बू की दुकान, छोटी सी वही पेड़ के नीचे, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर से दिखा देती हूँ। गाइस नीचे पूरे हर तरफ अंधेरा है और कहीं ठीक से जगह भी नहीं दिख रही, सब जगह लोग बैठे हुए, इसलिए नमाज़ हम लोग घर पर जाकर पढ़ेंगे। तो गाइस ये है मुस्कान, मुस्कान तो बिज़ी रहती बेचारी, हमेशा हमेशा बिजी रहती, कभी भी ब्लॉग नहीं आती ठीक से ना। एक तो लाइट क्या नहीं आ रही है। तो अभी हम सब घर की तरफ चल दिए, आप लोग देख ही रहे कितना अंधेरा, कुछ भी दिख नहीं रहा, मतलब मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ आप लोगों को, बड़ी मुश्किल से सीरियस उतरे। नीचे सब लोग टॉर्च अपने जलाए हैं फोन की, तो अभी चलते हैं फिर। तो गाइज अभी हम सब घर पहुंच चुके हैं, मुस्कान के इधर लाइट नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ व्लॉगिंग की नहीं, वहाँ मैंने उनकी वीडियो, लाइट चली गई तो इतनी भीड़ भी थी, काफ़ी सारे लोग भी थे और तो थोड़ा मतलब सभी इधर आ जा रहे थे, तो और अंधेरा भी था इसलिए कुछ दिख भी नहीं, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते अगले व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।